वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 4 मिनट्स के एपिसोड 7 के स्पॉइलर के बारे में। तो एपिसोड 6 में हमें ग्रेट और थाइम का एक अलग ही दुनिया दिखाई देता है, जिसमें ग्रेट 4 मिनट पास्ट नहीं जा सकता, इसीलिए वो कुछ भी होने से नहीं रोक पाता। इसके अलावा हम यहाँ पर थाइम को भी एक अलग ही गेटअप में देखते हैं, पर यहाँ पर भी उसका एजेंडा सेम ही है, जो कि नान की मदद से गेट के पापा की गैम्बलिंग के बिजनेस को एक्सपोज करना था। पर इस एपिसोड के आखिर में भी हम टॉनक्ला को ग्रेट को गोली मारते हुए देखते हैं, तो इस बेसिस पर हम एपिसोड 7 में ग्रेट को हॉस्पिटल में ही देखने वाले हैं और शायद इस बार उसको होश आ जाए, क्योंकि ग्रेट के साथ अभी जो भी हो रहा है वो सब ग्रेट अपने अनकॉन्शियस माइंड में देख रहा है कि अगर ग्रेट के पास 4 मिनट बैक जाने का पावर नहीं होता तो ग्रेट क्या करता और थाइम से उसकी मुलाकात कैसे होता। पर शायद इस बार डैन थाइम को फोन ना करे ग्रेट को हॉस्पिटल में देखने के बाद भी, क्योंकि इस बार भले ही ग्रेट थाइम को पसंद करता है पर थाइम में हमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा है जिससे हमें ये आइडिया हो कि वो ग्रेट को पसंद करता है। ऊपर से यहाँ पर हमें थाइम का गर्लफ्रेंड भी दिखाया गया है, तो इस हिसाब से थाइम यहाँ पर बाई है। वो बस ग्रेट के साथ उसके पापा को ब्लैकमेल करने के लिए इंटीमेट हुआ था, तो इस हिसाब से डैन को ग्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर शायद थाइम को ये बात ग्रेट के पापा से पता चल जाए, क्योंकि मिस्टर वरित को ये पता चल जाता है कि उनके गैम्बलिंग बिजनेस का जो खुलासा मीडिया में हुआ है और इससे उनके बिजनेस को जो लॉस हुआ है वो नान के वजह से हुआ है और नान ने सभी इंफॉर्मेशन थाइम को दिया है, क्योंकि थाइम ही है जो नान को बचाने आया था। इसीलिए मिस्टर वरित के लोग फिर से थाइम को ढूंढते हैं और शायद उसको मारते भी है, पर ग्रेट अभी भी अनकॉन्शियस माइंड में ही है, इसीलिए इस 4 मिनट्स पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने का काम जो ग्रेट करता था वो उसको अब कर नहीं पा रहा है, जिस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। इधर विन को टाइटल के डेड बॉडी पर टॉनक्ला का फिंगरप्रिंट मिला था, इसीलिए विन टॉनक्ला को अरेस्ट करने आता है, पर शायद टॉनक्ला को सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गया था। और अब तो टॉनक्ला ने ग्रेट को भी मार दिया था, क्योंकि टाइटल ने डॉम को मारते वक्त जो वीडियो बनाया था उसमें ग्रेट भी था। भले ही उसने डॉम को नहीं मारा पर डॉम को पानी में फेंकने में टाइटल की मदद किया था, और ये वीडियो टॉनक्ला को टाइटल के फोन से मिला था, इसीलिए टाइटल ने ग्रेट को भी गोली मार दिया। तो शायद विन टाइटल को ढूंढ लेगा और उसे समझाएगा कि लॉ को ऐसे अपने हाथों में नहीं ले आना चाहिए, इसीलिए उसने जो किया उसके लिए टॉनक्ला को पनिशमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और टॉनक्ला के इस हार्ड टाइम में विन भी टॉनक्ला का साथ निभाएगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कॉर्न और टॉनक्ला को एक साथ नहीं दिखाया गया और ना ही ये दिखाया गया कि वो दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे को जानते या पहचानते हैं, और ना ही कॉर्न और टॉनक्ला का बॉयफ्रेंड के तौर पर दिखाया गया। ऊपर से टॉनक्ला का बिहेवियर देखकर लग रहा है कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो शायद टॉनक्ला का सभी प्रॉब्लम उन सॉल्व कर दे और वो भी एक हैप्पी नॉर्मल लाइफ जी पाए। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बीएल स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।